हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। आपने देखा जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस थ्री टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले होता है प्रिंसिपल क्लॉज और साथ में होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज, अ क्लॉज विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, विच हैज इट्स अवन सब्जेक्ट, जिसका अपना सब्जेक्ट हो और हमें कंप्लीट सेंस दे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। और अब आप देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो अपने आप काम नहीं करती है एंड डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज मींस प्रिंसिपल क्लॉज टू मेक कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस देने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कितने टाइप की होती है, तो आप देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट होता है नाउन क्लॉज, सेकंड होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको आप रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं, और थर्ड होता है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ओके, तो अब हम वन बाय वन बात करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट नाउन क्लॉज कि नाउन क्लॉज क्या है। देखिए नाउन क्लॉज क्या होता है, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एससी का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट्स एज ए नाउन, जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एज ए नाउन यूज की जाती है, नाउन की तरह यूज की जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें हम नाउन को कंबाइन करेंगे किससे, नाउन को नाउन से, नाउन को किससे जोड़ेंगे, नाउन से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए अ क्लॉज विच इज कनेक्टेड बाय डब्ल्यू एच वर्ड्स, इस क्लॉज में क्या करना पड़ेगा हमें, प्रिंसिपल क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना पड़ेगा किससे, डब्ल्यू एच वर्ड से। डब्ल्यू एच वर्ड्स में कौन से मिलेंगे आपको, आपको विच मिलेगा, दैट मिलेगा, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए जाते हैं, विच दैट और एक होता है वेदर, वेदर विच और दैट, ये तीनों के तीनों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जाते हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक है, स्कूल है, हाउस है, इस प्रकार से नॉन लिविंग थिंग्स। अगर कहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की गई है, दो सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो आप यूज करेंगे एज ए नाउन क्लॉज किसका, विच का, दैट का या व्हाट का, ये सॉरी वेदर का। आफ्टर दैट है हमारे पास व्हाट, व्हाट का जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं व्हाट का। वेयर है, वेयर का यूज हम करते हैं किसके लिए, प्लेस के लिए। उसके बाद हु है, हु का यूज हम किसी पर्सन के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेयर है, ये तो आ चुका हमारा, इसका यूज हम करते हैं प्लेस के लिए। तो देखिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाएगा जब हम दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में जोड़ेंगे, किस प्रकार से, किसके द्वारा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ा जाएगा किससे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे पास कौन से हैं, विच, दैट, व्हाट, वेयर, वेदर, हु, इस प्रकार से आप इनसे जोड़ेंगे। तो देखिए इनके कुछ रूल्स हैं, आप रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल है विच दैट और वेदर, विच दैट और साथ में है हमारे पास वेदर, डब्ल्यू एच ई टी एच आर, वेदर फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जहाँ पर भी नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाएगी वहाँ पर हम किसे जोड़ेंगे, दो सेंटेंस को, या तो विच से जोड़ेंगे या दैट से जोड़ेंगे या फिर वेदर से जोड़ेंगे। देखिए किस प्रकार से आपको सेंटेंस मिलेंगे और अपन वो किस प्रकार से कंबाइन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है इट इज पीटी यू डिड दैट। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें
प्रिंसिपल क्लॉज वाला सेंटेंस कौन सा है, यानी कि जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, और डिपेंडेंट क्लॉज हो गया वो कौन सा है, डिपेंड करता है जो फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर। इट इज पीटी, ये दया की बात है, यू डिड दैट, जो तुमने किया। अब ये जो सेंटेंस है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या हो गया सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब दोनों को हम करेंगे कंबाइन किससे, सबॉर्डिनेट कंजक्शन से। इट इज पीटी, अब पीटी जो है नाउन है, हिचकी आ रही है हर्ष साथ में ही। तो देखिए यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाता है, दिस दैट्स, ये आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज में मिलेगा। किसे मिलेगा, सबॉर्डिनेट क्लॉज में, दिस दैट्स इट। तो आप क्या करेंगे, इनको कट कर देंगे जब दो सेंटेंस को आप क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। जैसे आपने प्रिंसिपल क्लॉज को शुरू में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, इट इज पीटी। अब इसमें क्या किया, दया के बारे में बात की गई है। अब दया को हम देख नहीं सकते, तो ये भी किसके लिए यूज किया जाएगा, एज ए नॉन लिविंग थिंग। तो हम इसको यहां पर ऐड कर देंगे किससे, दैट से। क्या लगा दिया हमने यहां पे, दैट है कंजक्शन, कौन सा सबॉर्डिनेट कंजक्शन, यू डिड, और जो ये दैट है यहां से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इसको हम काट देंगे। दोबारा देखिए, इट इज पीटी दैट यू डिड, इस प्रकार से। अब देखिए ये दो सिंपल सेंटेंस है, दोनों को हमने कंबाइन किया एज ए कंप्लेक्स सेंटेंस। कैसे, अब ये क्या बन गया, अभी आपका कंप्लेक्स सेंटेंस जो है बन गया। ओके, आगे देखिए, रेन विल फॉल टूडे, इट इज क्वाइट एविडेंट। अब यहां पर रेन के बारे में बात की गई, रेन विल फॉल टूडे, आज बरसात होगी, इट इज क्वाइट एविडेंट, ये स्पष्ट है। अब किसके बारे में है बात, ये रेन के बारे में, तो इसको भी हम यूज करेंगे एज नॉन लिविंग थिंग और यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए, रेन विल फॉल टूडे, बरसात होगी, इट इज क्वाइट एविडेंट, ये स्पष्ट, एविडेंट मीन्स स्पष्ट। तो स्पष्ट बात क्या है, यानी कि जो मेन क्लॉज है इसमें क्या है, मेन क्लॉज है इट इज क्वाइट एविडेंट, इट इज क्वाइट एविडेंट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हो गया हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज को लेके आएंगे, क्या लिखेंगे, इट इज क्वाइट एविडेंट, और कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट रेन विल फॉल टूडे, रेन विल फॉल टूडे, इस प्रकार से। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कहां पर, सेकंड रूल देखिए क्या है, कि अगर किसी भी सेंटेंस में समवन आ जाए, क्या आ जाए, समवन, समवन का मतलब कोई पर्सन, तो समवन का यूज किया जाएगा फॉर ए पर्सन, यानी कि जब किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई, दो सेंटेंस ऐसे हैं किसी पर्सन के बारे में बात की गई है, तो वहां पर हम उसको किसे जोड़ेंगे, हु से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, हु से। जैसे अब इसमें आपको ऑलरेडी मिल जाएगा समवन, एनी समवन मिलेगा, कई बार दी पर्सन भी मिल जाता है, क्या मिल जाता है, दी पर्सन, यानी कि जहां पर पर्सन के बारे में, एनी पर्सन, इस प्रकार से लिखा हूं। जैसे सेंटेंस है आपके पास, समवन हैज स्टोलन माई पेन, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। अब यहां पर आप देखेंगे कि सर समवन लिखा हुआ है सेंटेंस, समवन है, तो समवन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और यहां पर क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट क्लॉज है। पहला सेंटेंस कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, आई डू नॉट नो, अब ये हिम कौन है, वो पर्सन ही है ना, आई डू नॉट नो, अब ये हिम भी क्या हो जाएगा, यहां से कट जाए, क्योंकि ये पर्सन के लिए यूज किया गया। आई डू नॉट नो हु हैज स्टोलन माई पेन, आई डू नॉट नो हु, यह यूज किया हमने एज ए सबॉर्डिनेट कंजक्शन, हु हैज स्टोलन माई पेन, क्योंकि हमने यहां से हिम को क्या कर दिया है, कट कर दिया, हिम को कट कर देंगे। ओके, क्लियर है, तो समवन आ जाए तो हु से जोड़ेंगे। आफ्टर दैट रूल नंबर थ्री, अगर किसी भी सेंटेंस में समथिंग आ जाए, किसके बारे में बात की गई है, समथिंग वर्ड आ जाए समथिंग, तो समथिंग को कट कर देंगे, समथिंग को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और वर्ड से जोड़ देंगे उसको, किसे जोड़ देंगे, वर्ड से, ये फॉर ए थिंग, किसी वस्तु, ये यूज क्या कर, समथिंग, कोई वस्तु। जैसे ही सेज समथिंग वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट, ही सेज समथिंग वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट, ये दो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, दोनों को हम कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। कैसे देखिए, अब यहां समथिंग लिखा हुआ है ना, तो समथिंग हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा, वी कैन नॉट रिलाई ऑन, अब ये दैट है, बता मैंने दिस दैट दिस दोज, ये कट जाते हैं, दिस दैट इट, ये कट जाते हैं, कट गया। वी कैन नॉट रिलाई ऑन,
अब यहां पे क्या लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे, क्योंकि क्या है इसके अंदर समथिंग है, तो व्हाट ही सेज, वी कैन नॉट रिलाई ऑन व्हाट ही सेज। इस प्रकार से आप एक सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। व्हाट से जोड़ दिया, एक सेंटेंस और देखिए, ही सेड समथिंग, यहां समथिंग लिखा हुआ है, समथिंग को काट देंगे और यहां पर किससे जोड़ देंगे, इसको वर्ड से जोड़ देंगे, इट इज सर्टेन। क्या लिखेंगे, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इट इज सर्टेन। आगे यहां पर कंजक्शन क्या लगाएंगे, व्हाट ही सेड और समथिंग को क्या कर दें, यहां से कट कर देंगे। तो समझ में आया आपको, नाउन क्लॉज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एज ए नाउन एक्ट्स, जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्ट कर रही है एज ए नाउन, नाउन की तरह, नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, नाउन को नाउन से जोड़ना है तो नाउन को कट कर, एक नाउन को कट कर देते हैं, उसकी जगह कंजक्शन यूज करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, या तो हम यूज करेंगे दैट या विच या वेदर, व्हाट, वेयर, हु, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपने थ्री रूल्स क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर देखिए क्या है, रूल नंबर फोर है हमारे पास, अगर किसी भी सेंटेंस में समवेयर आ रहे हैं, समवेयर क्या, समवेयर कई बार दी प्लेस भी लिखा मिल सकता है आपको, दी प्लेस का मतलब भी क्या होता है, जगह के बारे में बात की गई है, समवेयर या दी प्लेस आ जाए तो उस सेंटेंस को वेयर से जोड़ेंगे, क्योंकि वेयर का यूज किया गया किसके लिए, प्लेस के लिए यूज किया गया, ठीक है। ही इज गोइंग समवेयर, समवेयर लिखा हुआ है, इट इज नॉट नोन टू एनीबडी, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्या है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट इज नॉट नोन टू एनीबडी, इट इज नॉट नोन टू एनीबडी। अब यहाँ पे समवेयर को काट देंगे और इसको यहाँ पे किससे जोड़ देंगे, वेयर से जोड़ देंगे, तो क्या लगा दिया हमने, वेयर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग और समवेयर क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया, क्लियर है ना। समवेयर आया है तो समवेयर को या दीप इसको काट देंगे और वेयर से इसको क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, ओके क्लियर है। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं नाउन क्लॉज का, 5 सेंटेंस है यहाँ पे, आप खुद क्लियर करेंगे कि क्या क्या आप नाउन क्लॉज का यूज करके इन सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे आप एस्टेट वगैरह के, ये तो 10th लेवल में तो इस टाइप में आता है जैसे मैंने आपको समझाया, लेकिन जैसे आप किसी एस्टेट एग्जाम में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, ऐसे दिया मिलता है, इट इज नॉट नोन टू एनीबडी वेयर ही लिव्स। अब इसमें ये लिखा मिलेगा, वैसे तो ये सेंटेंस पूछ लेता कई बार कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आपको पता चल गया वेयर से जुड़ा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्वेश्चन तो ये बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है, इट इज नॉट नोन टू एनीबडी वेयर ही इज गोइंग। अब यहाँ पर ये वेयर से जुड़ा हुआ है तो ये क्लोज तो है, तो आपको ये बताना है कि जो वेयर है ये वेयर किसके लिए यूज किया गया, प्लेस के लिए यूज किया गया है, तो इसको हम ऐसे मिलेगा आपको आगे कि ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या फिर एडवर्ब क्लोज है, मतलब ये कौन सा क्लोज, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, तो आपको पता चल गया कि वेयर से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें समवेयर को काटा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज का सेंटेंस हो जाएगा। तो ये एस्टेट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th क्लास में ही आता है या फिर एस्टेट में आता है, और एस्टेट में किसमें, अगर आपने लेक्चरर का टेस्ट दिया तो लेक्चरर के टेस्ट में जो क्लॉज है वो जरूर आते हैं, और दो आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्टेट वालों के लिए एडवर्ब क्लॉज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे के जो लेक्चर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपको और भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक्सरसाइज, ही इज अ रग, एवरीबडी नोज इट, ठीक है, ही इज अ रग, वो लुटेरा है, एवरीबडी नोज इट, सब ये जानते हैं, सब लोग क्या जानते हैं, क्या है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्या हो गया, डिपेंड हो गया ना इसके ऊपर, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एवरीबडी नोज, आपको बताया मैंने कि इट को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, कोई डाउट नहीं, एवरीबडी नोज। अब इट को काटा तो किससे जोड़ेंगे इसको, दैट से जोड़ेंगे, क्योंकि बाकी तो कोई रूप बनता नहीं है, अगर यहाँ पे आप विच लिख देंगे तो भी ठीक है, एवरीबडी नोज Which everybody knows that, इसको that से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ देंगे इसको, that से, अगर कोई वस्तु होती है ना, पेन पेंसिल बुक, तो हम which से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, everybody knows that he is a rug, ये इस प्रकार से जोड़ेंगे।
ही विल कम बैक, वो वापिस आएगा, इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो इसको दैट से जोड़ देंगे, इट इज सर्टेन दैट ही विल कम बैक, कि वो वापिस आएगा, ये बात पक्की, दैट से जोड़ देंगे इसमें। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि समवेयर है, समथिंग है, तो ये रूल है, तो आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, अदरवाइज नाउन क्लॉज को आप जोड़ेंगे दैट से या विच से या वेदर से बस, क्योंकि जो नाउन है वो किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए यूज करेंगे तो हु का यूज करेंगे, ठीक है। समवन हैज बीन मेकिंग अ नॉइस, आई शुड लाइक टू नो द पर्सन, तो यहाँ पे समवन लिखा हुआ है ना, समवन को काट देंगे और किससे जोड़ देंगे इसको, पर्सन है हु से जोड़ देंगे, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा, इसके अंदर आई शुड लाइक टू नो द पर्सन है, व्यक्ति है, तो क्या करेंगे इसको काट देंगे, मैंने बताया था कि दी पर्सन भी आ सकता है, तो आई शुड लाइक टू नो बस दी पर्सन काट दिया यहाँ से, हु, अब ये समवन भी कट गया यहाँ से, हु हैज बीन मेकिंग अ नॉइस, आई शुड लाइक टू नो हु हैज बीन मेकिंग अ नॉइस, इस प्रकार से आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, क्लियर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज फेल्ड, वो फेल हो गया, आई केम टू कंसोल हिम ऑन लिविंग दिस, देखिए ही हैज फेल्ड, वो फेल हो गया, ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, आई केम टू कंसोल हिम ऑन लर्निंग दिस, को क्या कर देंगे काट देंगे, कंजक्शन को किससे जोड़ देंगे, मतलब कंजक्शन क्या लगा देंगे यहाँ पे, दैट हो गया सबॉर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। आई केम टू कंसोल हिम ऑन लर्निंग दैट ही हैज फेल्ड, बस यहाँ पे दैट से इसको जोड़ देंगे। दिस इज समथिंग, देखिए यहाँ पे समथिंग है, समथिंग को काट देते हैं या किसे जोड़ते हैं, व्हाट से जोड़ते हैं ना समथिंग को काट के, नो वन कैन अंडरस्टैंड इट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, नो वन कैन अंडरस्टैंड इट को क्या कर देंगे यहाँ से कट कर देंगे, तो क्या किससे जोड़ देंगे इसको, व्हाट से जोड़ा, क्यों जोड़ा, देखो अगर ये व्हाट समथिंग नहीं होता तो इसको दैट से जोड़ देते। अब यहाँ पे क्या है, नो वन कैन अंडरस्टैंड इट को काट दिया हमने, क्योंकि बताया मैंने आपको कि दिस दैट या इट है तो इनको हम कट कर देते हैं, नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, बस यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। इस प्रकार से हम नाउन क्लॉज के सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जितना अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, जितना अच्छे से आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटेंस है सिंपल कंपाउंड कंप्लेक्स, इनको किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंप्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि सबॉर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, आपको पता भी चल रहा है कि सबॉर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी तो है कि आप कंजक्शन का टॉपिक पढ़ें और साथ में आगे आएगी एडवर्ब, तो एडवर्ब का टॉपिक भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ना जो एडवर्ब का टॉपिक है और कंजक्शन का टॉपिक है पढ़ना क्लोज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। तो कल देखेंगे कि रिलेटिव क्लॉज में कौन कौन से सबॉर्डिनेट कंजक्शंस आते हैं और किस प्रकार से हम सेंटेंस को, यानी कि टू सेंटेंसेज को कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज और यू कैन से एडजेक्टिव क्लॉज। आशा करते हैं आपको हमारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे लेक्चर को अच्छे से देखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।